नमस्कार दोस्तों, आरंभ सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की, ठीक है, मिट्टी के बारे में और मध्य प्रदेश की वनस्पति के बारे में। इससे पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, मध्य प्रदेश के भौतिक क्षेत्रों के बारे में, भौतिक विभाजक क्षेत्रों के बारे में, मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में मिट्टी के बारे में, मतलब एमपी की सॉइल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश में वनस्पति के बारे में कि मध्य प्रदेश में वनस्पति का वर्गीकरण कैसे किया गया है और मध्य प्रदेश में वनस्पति का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है। चलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा शुरू करते हैं एमपी की ज्योग्राफी में, मध्य प्रदेश की भूगोल में महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु अपने आप में एक अवधारणात्मक टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसमें कई सारी अवधारणाएं होती हैं जिसे आप याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते, जिसे आप केवल समझ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली क्लास, ठीक है, आज के दिन की, ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु। अगर मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही हो, वीडियो साफ दिखाई दे रहा हो तो चैट बॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है, प्लीज़, ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं एमपी की जलवायु से, मध्य प्रदेश की जलवायु से। अगर हम एमपी की जलवायु की बात हम करें, देखें तो एमपी की जलवायु में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो पहले तो हम देखें एमपी की जलवायु दो चीजों पर प्रभावित करते हैं, दो ऐसे कारक हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जलवायु में हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं वर्षा की स्थिति कैसी है, हम पढ़ते हैं तापमान की स्थिति कैसी है, ठीक है, हम पढ़ते हैं मानसूनी हवाओं का प्रभाव कैसे पड़ता है, हम पढ़ते हैं लू के बारे में कि लू जब चलती है या गर्म हवाएं जब चलती हैं ये क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये सब चीजें प्रभावित होती हैं दो कारकों पर। पहला कारक है मध्य प्रदेश में, हम देखें पहला कारक है कर्क रेखा की उपस्थिति, ठीक है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने के कारण, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने के कारण क्या होता है, एमपी की जलवायु प्रभावित होती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था, अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर होता तो क्या असर पड़ता, तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी प्रभावित होती, मध्य प्रदेश की वनस्पति भी प्रभावित होती, मध्य प्रदेश की मिट्टी भी प्रभावित होती। क्योंकि अगर 0 डिग्री पे होता, विषुवत रेखा पर होता, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, सदाबहार वनस्पति का विकास होता, मध्य प्रदेश में संवहन धाराओं से लगातार डेली बारिश होती, प्रतिदिन वर्षा होती, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का कोई प्रभाव नहीं होता। ये सब चीजें कब होती है, अगर मध्य प्रदेश विषुवत रेखा पर होता। लेकिन मध्य प्रदेश है कहाँ पर, मध्य प्रदेश है, ठीक है, कर्क रेखा के मध्य के मध्य से गुजरती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की उपस्थिति मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। अभी हम देखेंगे कैसे प्रभावित करती है। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है समुद्र तट से दूरी, ठीक है, समुद्र तट से दूरी, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश कैसा है, एक लैंडलॉक स्टेट है, स्थल अवरुद्ध राज्य है, यानी इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। अगर मध्य प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती, मध्य प्रदेश समुद्र सीमाओं से लगने वाला राज्य होता तो मध्य प्रदेश में क्या होता, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर ज्यादा नहीं होता, ठीक है। याद रखिए मध्य प्रदेश में जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता। इसके अलावा समुद्र से होती तो चक्रवाती वर्षा हमारे यहाँ देखने को मिलती, जो नहीं होती हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश में कोई चक्रवात नहीं आता क्योंकि हम समुद्र के किनारे नहीं है, ठीक है। समुद्र के किनारे होते तो हमारे यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव कम होता, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव, शीत लहर का प्रभाव अच्छा खासा होता है। अगर हम सब समुद्र तट के आसपास होते तो वहाँ की जलवायु हमारी कैसी होती, हमारी जलवायु, ठीक है, आर्द्र जलवायु होती, जहाँ नमी होती, मॉइस्चर होता, उमस ज़्यादा पड़ती है मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो समुद्र तट से दूरी और कर्क रेखा की उपस्थिति, ये बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले। और तीसरा कारक है मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है, वो है वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वनस्पति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, वन क्षेत्र के मामले में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। लेकिन वन मध्य प्रदेश की वन की उपस्थिति के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब जलवायु के कारण देखा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा सघन वन है वहां अच्छी खासी बारिश हो रही है। बारिश और जलवायु का दोनों का क्या है, संबंध आपस में है। अगर अच्छी बारिश होगी तो वनस्पति अच्छी होगी, वनस्पति अच्छी होगी तो जलवायु भी प्रभावकारी होगी, ठीक है। तो ये तीन बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं, और आज हम तीन महत्वपूर्ण फैक्टर को ही समझने का प्रयास करेंगे कि एमपी की जलवायु को कैसे प्रभावित किया जाता है, ठीक है। हम ऐसा तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है, या हमारे सबसे ज़्यादा बारिश किस जिले में होती है, किस क्षेत्र में होती है, किस राज्य में, आपके भौतिक प्रदेश में होती है,
ये डेटाबेस चीजें तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रश्न आते हैं कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा पर क्या असर पड़ेगा, अगर आप मध्य प्रदेश में ठीक है बघेलखंड से अगर आप मध्य भारत पठार की ओर जाते हैं तो तापमान पर और वर्षा पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनसे उन प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूरी है, मानचित्र को अच्छे से समझना और अवधारणाओं को अच्छे से समझना। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ने से पहले जरूरी है इसके भौतिक प्रदेशों को समझना फिर से एक बार, कि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश की जलवायु है इन्हें चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, यानी मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है चार प्रदेशों में। तो चार जलवायु प्रदेश हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, कितने हैं, चार जलवायु प्रदेश हैं। अब कौन कौन से हैं उसको देखते हैं, ठीक है। एक कहलाता है उत्तर का मैदानी प्रदेश, उत्तर का मैदानी प्रदेश या उत्तर के मैदानी प्रदेश की जलवायु। तो पहला जलवायु प्रदेश है हमारा उत्तर के मैदानी प्रदेश की जलवायु, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। और कितने भागों में बांटा गया है, चार जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो मालूम पड़ गया हमें कौन सा, उत्तर का मैदानी प्रदेश की जलवायु, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा है, दूसरा है ठीक है मालवा क्षेत्र की जलवायु, यानी मालवा प्रदेश की जलवायु। तो मालवा प्रदेश की जलवायु, ये दूसरा जलवायु प्रदेश है, मालवा प्रदेश की ठीक है जलवायु, ये दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया, ये दूसरा जलवायु प्रदेश हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण कौन सा है, तीसरा भौतिक प्रदेश आता है विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र की जलवायु, विंध्य एवं सतपुड़ा जलवायु प्रदेश, विंध्य एवं सतपुड़ा जलवायु प्रदेश, ये कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश का तीसरा जलवायु प्रदेश है विंध्य एवं सतपुड़ा जलवायु प्रदेश, ठीक, ये हो गया तीसरा। और चौथा जो है हमारा फोर्थ है, ये है नर्मदा जलवायु प्रदेश या नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जलवायु को चार जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, कौन कौन सा, उत्तर का प्रदेश मैदानी प्रदेश की जलवायु, मालवा प्रदेश की जलवायु, नर्मदा घाटी क्षेत्र की जलवायु और विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश। ये चार जलवायु प्रदेश हैं मध्य प्रदेश में। क्लियर है यहां तक, चलिए शुरुआत करते हैं आगे एक एक जलवायु प्रदेश को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेशों के बारे में, तो हमने देखा कि कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में, ठीक है। पहला है उत्तर का मैदानी प्रदेश की जलवायु। अब अपने मानचित्र को इतनी बार देख चुके हैं, इतनी बार अध्ययन कर चुके हैं हम मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों में, एक एक भौतिक प्रदेश का हमने अध्ययन किया है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर का मैदानी प्रदेश की जलवायु की बात हो रही है तो इस जलवायु प्रदेश में जिले कौन से आएंगे। इसमें जिले आते हैं मुरैना, ठीक है, इसमें आएगा भिंड जिला, इसमें आता है शिवपुरी जिला, इसमें आता है ग्वालियर, ग्वालियर के अलावा इसमें आएगा श्योपुर, श्योपुर के अलावा गुना, गुना के अलावा नीमच, ठीक है मंदसौर। ये वो इलाके हैं, ये वो जलवायु प्रदेश हैं जो कहां पर आते हैं, उत्तर के मैदानी प्रदेशों में आते हैं। कौन कौन से, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर, ये जलवायु प्रदेश, ये सारे जिले कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, उत्तर के मैदानी प्रदेश की जलवायु में आते हैं। अब इस जलवायु की विशेषता क्या है, इस जलवायु की विशेषता है इसकी विषमता, ठीक है। ये कैसी जलवायु है, ये विषम जलवायु है। किस कौन से क्षेत्र की जलवायु, तो मध्य प्रदेश में विषम जलवायु कहाँ पाई जाती है, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर के मैदानी क्षेत्रों की बात हो रही है तो कौन से जिलों में होगी, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर के इलाकों में होगी। अब ये विषम जलवायु का मतलब क्या होता है, विषम जलवायु का मतलब है ठीक है कि गर्मी में क्या होगी, गर्मी के मौसम में ठीक है ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ज्यादा गर्मी, और ठंडी के मौसम में ज्यादा ठंड, ज्यादा ठंड, यानी समर सीजन में एक्सट्रीम हॉट होगा और विंटर सीजन में एक्सट्रीम कोल्ड। ठंड पड़ेगी तो खूब पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो खूब गर्मी पड़ेगी। तो जो लोग इलाके के होंगे, ग्वालियर के इलाके के, शिवपुरी के इलाके के, भिंड मुरैना के, वे जानते हैं कि गर्मी पड़ती है तो खूब पड़ती है और ठंड पड़ती है तो खूब ठंड पड़ती है। इसे कहते हैं विषम जलवायु प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की विषम जलवायु हमें कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में। जब अगर किसी क्षेत्र की जलवायु विषम जलवायु होती है, इसका मतलब है कि वहां दैनिक तापांतर क्या होता है, वहां दैनिक और वार्षिक तापांतर ज्यादा होता है,
ठीक है, दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या होगा, तापांतर ज्यादा होता है। अब ये तापांतर का मतलब क्या हुआ, तापांतर का मतलब है अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है उसे कहते हैं दैनिक तापांतर। अब मान लीजिए रात का तापमान तो पहुंच गया 10 डिग्री और दिन का तापमान पहुंच रहा है 32 डिग्री, तो बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, 22 डिग्री का अंतर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जलवायु विषम है। ठीक है, याद रखिए जैसे अगर हम वार्षिक तापांतर की बात करें तो यहाँ पे वार्षिक तापांतर कितना होगा, ठंडों में तापमान पहुंच जाता है उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, ठंडों का तापमान होता है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, औसत तापमान की बात हो रही है यहाँ पे, एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की बात हम करें तो गर्मियों में पहुंच जाता है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। तो कहां 15 से 18 हो, कहां 40 से 42, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है साल भर के टेम्परेचर में, वार्षिक तापांतर में। यही कारण है कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये एक विषम जलवायु प्रदेश है, जहां दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है, वार्षिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है, दिन और रात के तापमान में अंतर ज्यादा होता है। कारण क्या है, विषम जलवायु प्रदेश। विषम जलवायु का मतलब समर सीजन में हॉट आपके, ठीक है, आपके स्टीम हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्मी, और विंटर सीजन में स्टीम कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ये कौन सा इलाका हो गया, ये पहला जलवायु प्रदेश हमने पढ़ा, इसका नाम क्या है, उत्तर का जलवायु प्रदेश या उत्तर का मैदानी प्रदेश की जलवायु क्षेत्र है। क्लियर है यहाँ तक, अगर मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है और वीडियो आपको अगर साफ दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके, चैट बॉक्स में जाके यस लिख दीजिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं, ये तो मालूम पड़ा हमें उत्तर के मैदानी प्रदेश की जलवायु के बारे में, अब हम देखते हैं, ठीक है, मालवा प्रदेश की जलवायु कैसी है। मालवा प्रदेश की जलवायु, ठीक है, हम जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, याद रखिए हम ऋतुओं पे नहीं आए हैं अभी, टॉपिक हम क्वेश्चन टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी जलवायु प्रदेशों के बारे में, जिससे हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, मालवा प्रदेश की जलवायु, मालवा प्रदेश की जलवायु या मालवा जलवायु प्रदेश कह सकते हैं, चार भागों में बांटा गया है मालवा जलवायु प्रदेश। अब इसके बारे में क्या क्या जानते हैं वो देखिए, मालवा जलवायु प्रदेश जो है इसकी जलवायु कैसी है, ये सम जलवायु प्रदेश है। कैसा है, सम जलवायु, ठीक है, सम जलवायु प्रदेश है। ठीक है, अब सम जलवायु का मतलब क्या होता है, सम जलवायु का मतलब है, ठीक है, कि अगर गर्मियों के मौसम में, ठीक है, समर सीजन में सामान्य गर्मी पड़ती है, याद रखिए, ठीक है, मॉडरेट हॉट पड़ेगा, सामान्य गर्मी, मॉडरेट हॉट, और ठंडी के मौसम में विंटर सीजन में मॉडरेट कोल्ड यानी सामान्य ठंड, तो सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड, ठीक है, याद रखिएगा, तो गर्मी भी सामान्य पड़ती है और ठंड भी सामान्य पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं सम जलवायु प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सम जलवायु प्रदेश कहाँ पर है, ठीक है, मालवा के पठार की जलवायु या मालवा प्रदेश की जलवायु प्रदेश जो है वो आपका सम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और मालवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पढ़ चुके हैं मालवा के पठार के बारे में, तो इसका मतलब यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, बात हो रही है देवास की, बात हो रही है विदिशा की, ठीक है, इसके अलावा रायसेन की, ठीक है, रायसेन को क्षेत्र मालवा में आते हैं, इसके अलावा बात हो रही है इंदौर की, उज्जैन की, ठीक है, इसके अलावा रतलाम की, धार डिस्ट्रिक्ट की, ये सारे जिले, आगर मालवा की, ये सारे जिले काय में आते हैं, मालवा के भौतिक प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्षेत्र में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु मिलेगी, इस क्षेत्र में हमें सम जलवायु मिलेगी, मतलब समान गर्मियों में समान गर्मी और ठंडों में समान ठंड पड़ती है। ठीक है, और कौन कौन से जिले इससे प्रभावित हैं, कौन कौन से जिलों में इस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाएंगे वो भी हमने देखा। अब देखें इसके अलावा मालवा की जलवायु में सम जलवायु प्रदेश है, ना तो सामान्य ठंड, ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है, ना जा ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। यही कारण है कि चीनी यात्री फाहयान ने क्या कहा, चीनी यात्री फाहयान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, ठीक है, किसे कहा, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है मालवा प्रदेश की जलवायु को। तो मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु किस चीनी यात्री ने कहा है, फाहयान ने क्या है, यहां से भी हमारा प्रश्न बनता है। मालवा प्रदेश की जलवायु प्रदेश वो कैसा है, सम जलवायु प्रदेश है, इसका मतलब ना तो समान गर्मियों में समान गर्मी पड़ती है और ठंडों में समान ठंड पड़ती है। कौन कौन से इलाके मिलते हैं, भोपाल, देवास, विदिशा, उज्जैन, रायसेन, इंदौर, ये वो इलाके हैं जो मालवा प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत आते हैं।
तो हमने दो इलाके पढ़े, एक पढ़ा हमने उत्तर का मैदानी प्रदेश जलवायु प्रदेश, और दूसरा जलवायु प्रदेश हमने देखा मालवा जलवायु प्रदेश। अब बात हम करते हैं तीसरे जलवायु प्रदेश की। ठीक है, तीसरा जलवायु जो प्रदेश है हमारा ठीक है, ये है हमारा कौन सा जलवायु प्रदेश, ये आता है ठीक नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश, ये है नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश, नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं तीसरा महत्वपूर्ण हमारा जलवायु प्रदेशों में आता है। अब देखिए इसमें क्या क्या जानते हैं। पहली बात तो ये नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश जो है ठीक है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, बहुत कम जिले इसमें शामिल होते हैं, बहुत ठीक है जलवायु, तो सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है मध्य प्रदेश का, ठीक है नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो पहला क्वेश्चन तीन से सॉल्व हो गया, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है, ठीक है सबसे छोटा जलवायु प्रदेश ठीक है कौन सा है, नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश है। कैसी जलवायु है यहाँ की, यहाँ की सब जलवायु कैसी है, यहाँ हम देखें तो गर्मियों में क्या पड़ता है, ठीक है गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है याद रखिएगा सर्वाधिक गर्मी ठीक है। लेकिन ठंड की बात हम करें तो ठंड कैसी होती है, सामान्य ठंड होती है ठीक है, यानी एक्सट्रीम हॉट और मॉडरेट कोल्ड, सामान्य ठंड लेकिन गर्मी बहुत पड़ती है कहाँ पर, नर्मदा घाटी जलवायु के प्रदेशों में, या सॉरी नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश में। जिले कौन से आएंगे, जिले आता है इसमें होशंगाबाद ठीक है, होशंगाबाद का इलाका आता है, इसके अलावा हरदा का इलाका आता है, हरदा के अलावा ठीक है नरसिंहपुर का इलाका आता है, नरसिंहपुर के अलावा जबलपुर का इलाका आता है। ये वो जलवायु प्रदेश हैं जहां पर हमें नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, ये वो जिले हैं जहां नर्मदा घाटी जलवायु की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश कहाँ फैला हुआ है, जबलपुर होशंगाबाद हरदा नरसिंहपुर, ये पूरी जो बेल्ट है सीहोर, ये सॉरी नीचे की पूरी बेल्ट जो है इस बेल्ट में हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है और कैसी जलवायु है, गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है एक्सट्रीम हॉट, लेकिन विंटर सीजन कैसा है, मॉडरेट है सामान्य ठंड पड़ती है, ये कहलाता है हमारा नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश। चलिए दूसरा देखते हैं चौथा जलवायु प्रदेश हमारा जो है इसके बारे में, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ठीक है ज़्यादा मैटर हमारे पास मालवा के बारे में होता है, जितना मैटर हमारे पास उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में है, अब छोटा जलवायु प्रदेश है इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके मैटर मिलता भी नहीं है आपको और संभावना भी फिर इसकी कम हो जाती है ठीक है। अब देखें सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश जो हमारे पास है वो कौन सा है ठीक है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है हमारा ये है चौथे नंबर पे, हमने पढ़ा था इसके बारे में अभी ठीक है, यह है विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश, विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश ठीक है, यह चौथा हमारा जलवायु प्रदेश है और देखने से लग रहा है स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है ठीक है, तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, यह है विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा था, नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश था। अब विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश की बात हो रहे हैं तो बहुत सारे जिले आएंगे, तो जिलों से पढ़ने से अच्छा है हम क्या पढ़ लें, इसके भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लें, यानी विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा बुंदेलखंड। अब अगर आपने बुंदेलखंड पढ़ा है तो मालूम है कौन से जिले आएंगे, इसमें आएगा रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना का पठार आएगा ठीक है, रीवा पन्ना का पठार, इसमें आएगा बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड का पठार आएगा ठीक है, इसके अलावा इसमें आएगी मेकाल रेंज आएगी पूरी, मेकाल रेंज के अलावा सतपुड़ा रेंज आती है इसमें ठीक है, यह सतपुड़ा श्रेणी आती है, तो मेकाल सतपुड़ा श्रेणी भी इसमें आती है। इस जलवायु प्रदेश में इतने बड़े इलाके आते हैं कि जिलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, उमरिया है, सीधी है, सिंगरौली है ठीक है, टीकमगढ़ का इलाका है, रीवा पन्ना का इलाका है, सतना का इलाका है, ये सभी विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। यहाँ की जलवायु कैसी है, अगर हम की जलवायु की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर गर्मियों की मौसम की बात करें ठीक है, यहाँ पे समर सीजन कैसा होता है, तो गर्मी कैसी होती है यहाँ पे, यहाँ पे होती है सामान्य गर्मी ठीक है,
गर्मी कैसी पड़ती है, मॉडरेट हॉट होता है, सामान्य गर्मी। लेकिन अगर हम ठंडक की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, तो क्या होती है, सर्वाधिक ठंडा होता है, ठीक है, यानी ज्यादा ठंड। तो सामान्य गर्मी लेकिन एक्सट्रीम विंटर, ठीक है, रखिएगा। ठंड कैसी होती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, रखिएगा। तो गर्मी कैसी है, सामान्य गर्मी है, लेकिन ठंड कैसी है, ज्यादा ठंडी है। नर्मदा घाटी में क्या था, ठंड सामान्य थी, गर्मी ज्यादा थी। तो यहाँ की महत्वपूर्ण मालूम पड़ी हमें विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र की जलवायु प्रदेश। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया। तो हमने देखा मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश, उत्तर का मैदानी जलवायु क्षेत्र, नर्मदा घाटी जलवायु प्रदेश और मालवा जलवायु प्रदेश। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, उत्तर का मैदानी जलवायु प्रदेश। इसमें देखा कि यहाँ की जलवायु कैसी है, विषम जलवायु है, यहाँ पे गर्मियों में ज्यादा गर्मी और ठंड में खूब ठंड पड़ती है। यही कारण है दैनिक तापांतर क्या होता है यहाँ पर, या वार्षिक तापांतर यहाँ पे ज्यादा होता है। यहाँ पे कौन से जिले आते हैं, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर के जिले इसमें शामिल हैं। फिर हमने देखा अगली क्लास में, अगले स्लाइड में देखा मालवा की जलवायु प्रदेश। मालवा जलवायु प्रदेश में भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, रतलाम, धार, इंदौर, उज्जैन के इलाके आते हैं। यहाँ पे विश्व को फाइन ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। यहाँ पे ये जलवायु है सम जलवायु प्रदेश, इसका मतलब, इसका मतलब गर्मियों में समान गर्मी और ठंडों में समान ठंड, यानी विंटर सीजन कैसा होगा, मॉडरेट कोल्ड, और आपका समर सीजन कैसा होगा, मॉडरेट हॉट, ठीक है। फिर हमने देखा चौथा जलवायु, तीसरा जलवायु प्रदेश, नर्मदा घाटी जलवायु प्प्रदेश। ये जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर के इलाकों में आता है। यहाँ पे क्या होती है, गर्मियां सर्वाधिक होती है, खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंड कैसी होती है, सामान्य होती है। ये सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है एमपी का। और सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है विंध्य सतपुड़ा जलवायु प्रदेश, जो बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा, मेकाल रेंज यहाँ तक फैला हुआ है। इस जलवायु प्रदेश में हम देखें, ये एमपी का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, इसलिए हमने जिलों के नाम नहीं लिखे, हमने भौतिक प्रदेशों के नाम लिख लिए हैं। इसमें गर्मियों की बात करें तो सामान्य गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंड की बात करें तो क्या होती है, एक्सट्रीम कोल्ड, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो ये हो गए हमारे जलवायु प्रदेशों के बारे में, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम आ देखते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुओं के बारे में, मौसम्स के बारे में, ऋतुएं कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन ऋतुओं को पढ़ने से पहले हम देख लें बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि रिपीटेशन भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। हम देख लेते हैं पहले कुछ विशेषताओं के बारे में कि मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं क्या है। इस टॉपिक को बहुत से लोग पहले पढ़ते हैं, लेकिन पहले हमें जलवायु प्रदेश पढ़ना चाहिए, ताकि जलवायु प्रदेश के पढ़ने से हम एक एक व्यू बना लेते हैं, एक मैप पे चीजों को समझ जाते हैं कि बात कहाँ की हो रही है और क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए तो हम बात कर रहे हैं जलवायु की विशेषताएं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं क्या है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु की अगर हम विशेषताओं को समझें, ठीक है, तो पहली विशेषता क्या उभर के सामने आती है हमारे सामने, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात, हमारे कर्क रेखा हमारे मध्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होगी, मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। ये पहली विशेषता मालूम पड़ी कि एमपी की जलवायु कैसी है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है एमसीक्यू में कि एमपी की जलवायु है, तो आंसर क्या लगाएंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्यों है, कारण है कर्क रेखा की उपस्थिति। तो कर्क रेखा की उपस्थिति, अगर एक और कारण क्वेश्चन बन जाए, मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु का कारण क्या है, कर्क रेखा की उपस्थिति, ये भी स्टेटमेंट सही है। कर्क रेखा की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये दो चीजें मालूम पड़ी मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। अब और देखें, और क्या जानते हैं इसके बारे में, एमपी की जलवायु के बारे में और देखें, तो एमपी की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश की जलवायु को तीन ऋतुओं में बांटा गया है, तीन सीजन्स में, ठीक है, तीन ऋतुओं में बांटा गया। अब तीन ऋतुएं कौन कौन सी हैं, हम सब जानते हैं, एक होती है ग्रीष्म ऋतु, इन सबको डिटेल पढ़ेंगे अभी हम, क्या है ग्रीष्म ऋतु। दूसरी विशेषता है क्या है, दूसरी है शीत ऋतु, और तीसरी ऋतु कौन सी है, वर्षा ऋतु। तो एमपी में जो है तीन ऋतुओं में बांटा गया है, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये दूसरी विशेषता मालूम पड़ी एमपी की जलवायु की। तीसरी हम बात करें एमपी की जलवायु की, हम बात कर रहे हैं एमपी में अगर वर्षा की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है, एवरेज रेनफॉल होती है, औसत वर्षा,
तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। ये भी जानकारी मालूम पड़ी, ये तीसरा डाटा मालूम पड़ गया हमें कि मध्य प्रदेश की जलवायु की पहली विशेषता क्या देखी हमने कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। दूसरी विशेषता, तीन ऋतुओं बटी हुई है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। और तीसरी विशेषता मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषता, तीसरी विशेषता क्या है, ये इसकी औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। इसके अलावा देखें मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि शीत ऋतु जब आती है तो शीत ऋतु में ठीक है पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ठीक है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, लेकिन कहाँ होती है, केवल याद रखिए मध्य भारत के पठारी क्षेत्रों में होती है, जिसे हम मावठ की वर्षा कहते हैं। तो मावठ की वर्षा मध्य प्रदेश में कब होती है, पश्चिम आपके आपके शीत ऋतु में होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को हम कहते हैं मावठ की वर्षा। और मावठ की वर्षा कौन सी फसल की अच्छी होती है, इस समय कौन सी फसल होगी, इस समय होती है रबी की फसल। तो रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है मावठ की वर्षा, जो ठंडों में होने वाली वर्षा होती है। याद रखिए एक जानकारी और मालूम पड़ी हमें, तो एमपी की जलवायु की कितनी विशेषताएं पढ़ ली हमने, अभी चार विशेषताएं पढ़ ली। पहला मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश की जलवायु ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पोजीशन के कारण, कर्क रेखा की उपस्थिति के कारण। ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तीन ऋतुएं हैं, कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। इसके अलावा औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और हमारे यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, होती है क्या कहते हैं उसे, मावठ की वर्षा। क्यों होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, ये हमें जानकारी और मालूम पड़ी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है, ये भी डेटा पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, ये कितना होता है, यह है 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है कितना है 33 डिग्री सेल्सियस एमपी का औसत तापमान होता है। तो औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर और औसत तापमान कितना है 33 डिग्री सेल्सियस। चलिए और देखें और क्या जानते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताओं में, ठीक है तो टॉपिक हमारा वही चल रहा है जलवायु की विशेषताएं, उसी में आगे देखते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की, ठीक है न्यूनतम वर्षा वाला, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम वर्षा होती है गोहद में। और ये गोहद कहाँ पे आता है, गोहद आता है आपके भिंड डिस्ट्रिक्ट में, भिंड जिले में आता है। कितनी वर्षा होती है, 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो एमपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, न्यूनतम वर्षा सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले में, ठीक है यहाँ तक कोई समस्या। चलिए इसके अलावा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है पचमढ़ी में, ठीक है पचमढ़ी में। पचमढ़ी कहाँ पर आता है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदापुरम में। यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, गोहद में, कहाँ पर है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में। कितनी वर्षा होती है, 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पेपर बिगड़ सकता है। यहाँ पूछा गया कि स्थान, तो स्थान है पचमढ़ी और गोहद, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला नर्मदापुरम नहीं होगा, सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है वो है बालाघाट, ठीक है यहाँ से पेपर बिगड़ जाता है। याद रखिए तो पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा है, लेकिन वो स्थान है जिला नहीं, जिला नर्मदापुरम नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला क्या है, यानी एमपी में सर्वाधिक वर्षा वाला कहाँ पे कौन सा जिला है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, किस जिले में होती है, अगर जिले की बात हम करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में होती है। लेकिन अगर हम इलाके की बात करें, सबसे ज्यादा बारिश कौन से स्थल पे होती है, कौन से स्थान पे होती है, वो है पचमढ़ी में। लेकिन सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो जिला में से क्या आएगा, भिंड। ये भिंड या तक जिले में भी है और भिंड में जगह है गोहद, ये स्थान हो गया, ठीक है। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ठीक है ये कौन सा है, ये है आपका भिंड, ठीक क्लियर यहां तक। तो दो इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ी, पचमढ़ी के बारे में, बालाघाट के बारे में और भिंड के बारे में। तीसरी आपकी महत्वपूर्ण विशेषता मालूम पड़ी हमें, किसके बारे में, मध्य प्रदेश की मानसून आपके जलवायु के बारे में। अब देखिए यहां पे क्या जानते हैं, यहां पे डिफरेंस पैदा होता है, इसी को समझना जरूरी है। अगर हम यहां से शुरू करें रीवा पन्ना से, ठीक देखिए, और निमाड़ के इलाके तक, और यहां की हम बात कर रहे हैं इस इलाके में, तो ये है आपका पूरा इलाका कौन सा, मध्य भारत का पठारी इलाका। और ये इलाका कौन सा है, आपके बघेलखंड का इलाका, रीवा पन्ना का इलाका, सतपुड़ा मेकाल रेंज, ठीक है। यहां वर्षा हो रही है सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में,
बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, और सबसे कम वर्षा कहाँ हो रही है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। कौन सा जिला है, भिंड जिला। इसका मतलब अगर आप दक्षिण से, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा क्या होती जा रही है, वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। यहाँ पे हो रही है 199 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, यहाँ पे हो रही है 55 सेंटीमीटर वर्षा। इसका मतलब मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। अब देखिए, यह है मालवा का इलाका, और मालवा के इलाके में बारिश होती है, ठीक है, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। लेकिन वहीं बघेलखंड में 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मतलब ये पूर्वी इलाका है मध्य प्रदेश का, और ये पश्चिमी इलाका है मालवा के पठार का। इसका मतलब मध्य प्रदेश में अगर आप पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक, अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ठीक है। हम केवल डेटा को देखकर, मानचित्र को देखकर ही ऐसी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण में कितनी बारिश हो रही है, पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तर में भिंडी में कितनी बारिश हो रही है, गोहद क्षेत्र में 55 सेंटीमीटर, इसका मतलब मध्य प्रदेश में दक्षिण से अगर आप उत्तर की तरफ गए तो बारिश की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बघेलखंड के इलाकों में देखें तो 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा है, लेकिन वैसे ही जैसे ही मालवा के इलाकों में आते हैं 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा रह जाती है। इसका मतलब मध्य प्रदेश के अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। ये दो महत्वपूर्ण डाटा या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। यही इस बार हमारे देखा है 2019-20 के पेपर में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, अब ये तो मालूम पड़ा हमें मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताओं के बारे में, तो फिर से देख लेते हैं एमपी की जलवायु की पहली विशेषता क्या देखी। एमपी की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कितनी ऋतुओं में बटी हुई है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में बटी हुई है। औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। औसत तापमान कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठंडों में बारिश होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, मावट की वर्षा। मावट की वर्षा क्यों होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, जिसको हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने को देखेंगे, मिलेगा हमें। इसके अलावा मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है, मावट की वर्षा होती है रबी की फसल के लिए, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, इस समय रबी की फसल उपज होती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और कटाई होती है, ठीक है, मार्च तक जाता, तो फरवरी मार्च तक ये कौन सी खेतों में कौन सी फसल देखने को मिलती है आपको, रबी की फसल। रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है मावट की वर्षा। लेकिन मावट की वर्षा हमारे यहाँ कौन से इलाकों में होती है, याद रखिएगा, उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में, ठीक, याद रखिए, उत्तर के मध्य भारत के पठारी क्षेत्रों में होती है मावट की वर्षा, पूरे एमपी में मावट की वर्षा नहीं होती। इसके अलावा अगली विशेषता हमने क्या देखी, अगली विशेषता हमने देखी कि एमपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, एमपी में सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले के गोहद में, ये स्थान की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा बारिश वर्षा वाला स्थल कौन सा है, वो है पचमढ़ी, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन हम जिले के हिसाब से बात करें तो जिले के अनुसार नर्मदापुरम का आंसर नहीं आएगा। जिले की बात कम करें तो सबसे ज्यादा बारिश होती है बालाघाट जिले में, और सबसे कम वर्षा होती है भिंड जिले में, ये जिले की बात हो गई। इसके अलावा हमने देखा वर्षा की स्थिति को देखकर, हमने मैप का अध्ययन किया, तो हमें देखने को मिलता है कि दक्षिण में कितनी बारिश हो रही है, पचमढ़ी के इलाकों में 199 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तर तक पहुंचते पहुंचते भिंड में कितनी बारिश हो रही है, 55 सेंटीमीटर, यानी 199 से गिर के कितनी रह गई, 55 सेंटीमीटर। यानी मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ गए तो वर्षा की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। ऐसा ही हमने देखने को मिलता है बघेलखंड के इलाकों में, बघेलखंड के इलाकों में हमें देखने को मिलती है 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मालवा के इलाकों में आते हैं, मालवा के इलाकों में देखने को मिलती है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। इसका मतलब मध्य प्रदेश में अगर आप पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं तो क्या होगा, पूरब से पश्चिम आने पर, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन आएगा, ठीक है, और वर्षा की स्थिति में परिवर्तन आएगा और बारिश कम होती जाती है। तो दक्षिण से उत्तर जाने पर बारिश कम होती है, और पूरब से पश्चिम आने पर, ठीक है, वर्षा का स्तर कम होता जाता है, ये जानकारी हमें मालूम पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए अगली विशेषता देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे थे कि वर्ष उत्तर और दक्षिण के हिसाब से मानसून हमारे यहाँ चेंज हो रहा है या हमारे यहाँ बदलाव आता है वर्षा की स्थिति में। अगर हम देखें, एक लाइन खींचें, ये लाइन है हमारी, इसे हम कहते हैं आइसो थर्मल लाइन। क्या कहते हैं, ठीक है, आइसो थर्मल लाइन। आइसो थर्मल लाइन
अब ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन ये बताती है, ठीक है, ठीक है, ये है 21 डिग्री सेल्सियस की लाइन। तो एमपी की जो आइसोथर्मल लाइन है वो कितने डिग्री की है, 21 डिग्री सेल्सियस की, 21 डिग्री सेल्सियस की है। इसका मतलब है इस लाइन के अगर आप उत्तर में जाते हैं, ठीक है, तो तापमान में वृद्धि होने लगेगी। इस लाइन के नीचे दक्षिण में आते हैं तापमान में कमी होने लगती है, यानी उत्तर और दक्षिण में तापमान में जो भिन्नता आती है वो भिन्नता को डिसाइड करने वाली रेखा कौन सी है, आइसोथर्मल लाइन। यानी ये वो लाइन है जिस लाइन के आधार पर हम एमपी के उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं तापमान को। उत्तर और दक्षिण के तापमान में जो अंतर है उस लाइन को हमने किस आधार पर बांटा, आइसोथर्मल लाइन के आधार पर बांटा है। क्लियर है यहां तक? तो एक और क्वेश्चन बनता है हमारा प्री में, आइसोथर्मल लाइन कितने डिग्री की होती है, तो आइसोथर्मल लाइन होती है 21 डिग्री की, 21 डिग्री की होती है, ठीक है। अब देखिए और जानकारी क्या मिलती है, जैसे हमने बारिश की स्थिति सॉरी तापमान की स्थिति को बांटा है, ऐसे ही एक लाइन और होती है, ठीक है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आइसो हाइट लाइन। क्या कहते हैं, आइसो हाइट लाइन, आइसो हाइट लाइन या आइसो हाइट रेखा, ठीक है। ये होती है 60 सेंटीमीटर की, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की। ये क्या बताती है, ये बताती है कि एमपी का जो पूर्वी इलाका है, ठीक, एमपी का जो पूर्वी इलाका है और जो पश्चिमी इलाका है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा की बात हो रही है, औसत वर्षा, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर की ये वर्षा, जो औसत वर्षा का 60 सेंटीमीटर लाइन है, आइसो हाइट लाइन, ये बताती है कि अगर आप इस लाइन के पश्चिम में जाते हैं तो वर्षा की स्थिति क्या होती जाएगी, वर्षा की स्थिति कम होती जाती है। तो वर्षा की स्थिति क्या हो जाती है, कम देखने को मिलेगी, याद रखिए। लेकिन अगर आप पूरब की तरफ आते हैं तो इस इलाके में वर्षा क्या होगी, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है, मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस इलाके में वर्षा की स्थिति क्या हो रही है, वर्षा की मात्रा कम हो रही है और इस इलाके में वर्षा की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए 60 सेंटीमीटर की लाइन जो है इसे कहते हैं आइसो हाइट लाइन। तो दो लाइन हमने पढ़ने को मिली, एक है आइसो लाइन, आइसो थर्मल लाइन, जो ये बताती है कि दक्षिण और उत्तर के तापमान में जो डिफरेंस आता है उसके बारे में, और ये बताती है हमें, ठीक है, वर्षा की मात्रा के बारे में कि पश्चिम से पूरब जाने पर वर्षा की मात्रा पर क्या असर पड़ेगा। अब इसी लाइन का हम इस्तेमाल करें उत्तर दक्षिण समझने की कोशिश करें। अगर आप दक्षिण से, ये दक्षिण है हमारा, यहाँ जा रहे हैं हम उत्तर में, तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है 199 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर वर्षा रह जाती है, मतलब दक्षिण से उत्तर जाने पर भी एमपी में वर्षा कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताओं के बारे में, मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेशों के बारे में। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में ऋतुओं के बारे में, ठीक है। ऋतु वाला टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें डैम मैप की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितनी ऋतुओं में बांटा गया है एमपी को, एमपी को बांटा गया ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन। दूसरा बांटा गया किसमें, ठीक है, शीत ऋतु में, विंटर सीजन, शीत ऋतु। और तीसरी है वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। इन तीन ऋतु में हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है, मध्य प्रदेश के सीजन्स को बांटा गया है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है ये शुरू होती है मध्य प्रदेश में कब, मार्च से लेकर, और कब तक रहती है, ठीक है, जून तक। तो मार्च से लेकर जून तक हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है एमपी में। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु शुरू होती है हमारे यहाँ अक्टूबर से और चलती है हमारे यहाँ कब तक,